हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कपिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। और बच्चों, बहुत सारी बातें हो गई, अब सिलेबस की बातें करते हैं। आज से हमने अपना 11th क्लास का सिलेबस शुरू किया है, और ये शुरू इसलिए भी किया है कि हम लोगों का, हम बच्चों का रेस्पॉन्स देख सकें। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बच्चे PCB में आए हैं 11th क्लास में, 10th क्लास पास होकर के, वो बच्चे इन क्लासों को रेगुलर बेसिस पर पढ़ें, ताकि हम भी आपको जो है इन्हीं से संबंधित आपको क्लासेस दे सके। सबसे पहले बायोलॉजी का सिलेबस शुरू हुआ है, उसके बाद मैथ्स का शुरू होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का, धीरे धीरे इन चारों सब्जेक्ट का आपको सिलेबस मिलने लगेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप तो देखें ही, लेकिन अपने पास वाले जो क्लासमेट्स हैं, अपने आस पास पड़ोस में, रिश्तेदारी में, है ना, जो भी बच्चे 11th क्लास में पढ़ रहे हों और वो हिंदी मीडियम से बिलोंगिंग हों, वो इस वीडियो को उसको अपने रिश्तेदारों तक, दोस्तों तक, अपने जो भी सगे संबंधी हैं उन तक शेयर ज़रूर करें, ताकि वो बच्चे पढ़ पाएँ, है ना। देखो बच्चे, यूट्यूब चैनल बहुत कम हैं, बहुत कम क्या, मैंने देखा नहीं है कि हिंदी मीडियम आपको कोई पढ़ा रहा है, तो मैंने इसलिए आपको शुरू किया है कि आप लोगों का भविष्य जो है वो थोड़ा सा मैं उजागर कर सकूँ। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। देखिए पहला चैप्टर हमारा क्या है, लेसन नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपका है सजीव जगत यानी द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, यानी पहले चैप्टर में हम सजीव के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी जो चीज़ें लिविंग्स होती हैं। ठीक है, जो चीज़ें लिविंग्स होती हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है बच्चों, अब पहले चैप्टर को लेकर के जो बातें, देखो अपना क्या है कि जब 9th में आप पढ़ते हो तो 9th में भी शुरुआत करनी पड़ती है, और 11th में पढ़ते हो तो बिल्कुल फ्रेश बायोलॉजी आपके सामने आती है। ठीक है बच्चों, फ्रेश बायोलॉजी आपके सामने आती है, यानी बिल्कुल नया जीव विज्ञान आपके सामने आता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान से ही, विज्ञान क्या है। ठीक है बच्चों, विज्ञान क्या है, देखिए बच्चों, अलग अलग जगह से जो आप ज्ञान बटोरते हो उसकी बात अलग है। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको वैसे बताऊंगा ताकि आप लोग समझ सके कि विज्ञान किसे कहते हैं। देखो बच्चों, अगर किसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली उसमें से कुछ ऑब्जर्वेशन निकाल सकें, ठीक है ना, यानी हम नेचर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनके गुणधर्म के बारे में, और उनकी उनसे ऑब्जर्व कर सकें कुछ चीज़, यानी ग्रहण कर सकें, यानी किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली करना, और प्रैक्टिकली करके उसमें से कुछ निकालना, कुछ ऑब्जर्व करना ही हमारा विज्ञान है। ठीक है बच्चों, इस बात को आप ध्यान दें, बहुत अच्छे से समझें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी विज्ञान हमारा क्या होता है, किसी चीज़ को प्रैक्टिकली, ठीक है ना, प्रैक्टिकली करना, प्रैक्टिकली करने के साथ साथ उसमें से कुछ ऑब्जर्व भी करना। देखिए बच्चों, आप में से बहुत लोग हिंदी मीडियम में ज़रूर पढ़ रहे होंगे, लेकिन बहुत सारी वर्ड्स ऐसे हैं कि हम हिंदी में नहीं ले सकते, जैसे सृजनात्मक, है ना, तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश में ही पढ़नी पड़ेगी, जैसे प्रैक्टिकली हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, ग्रहण करना, है ना, निष्कर्ष जिसको हम बोलते हैं, ऑब्जर्व, तो ये सब बातें जो हैं आपको शायद ही ऐसे वर्ड आपको अच्छे लगे, तो इसलिए हम थोड़ा सा नॉर्मली इंग्लिश का भी यूज़ करेंगे, ताकि आपको आगे फ्यूचर में भी दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ विज्ञान की परिभाषा क्या है कि विज्ञान जो है वो किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करके, ठीक है ना, उसमें से कोई ऑब्जर्वेशन निकालना ही विज्ञान है। अगर आप किसी भी चीज़ की बात करें तो नेचर में, मान लो हम केमिकल्स की बात करेंगे या फिर एनिमल्स की बात करेंगे, तो एनिमल्स से भी हम कोई चीज़ निकाल सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये हमारा हार्ट है, ये इस तरीके से पंप होता है, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपना कर सकते हो। ठीक है, अब बाकी बात आई विज्ञान से बाद में, क्योंकि आना हमें जी विज्ञान पर है, तो विज्ञान में से आपको दो चीज़ें मिल जाएंगी, एक आपका भौतिकी और एक आपका जीव विज्ञान। ठीक है, एक आपका भौतिकी और एक आपका जीव विज्ञान यानी जैविकी। ठीक है बच्चों, इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल साइंस, और हिंदी में कहते हैं, सॉरी, इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल साइंस और हिंदी में कहते हैं भौतिकी। ठीक है, और जीव विज्ञान को कहते हैं लाइफ साइंस, लाइफ साइंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे। देखो, जब तक हमें किसी चीज़ का बेसिक नहीं पता होगा, हम उस चीज़ को पढ़ नहीं सकते। अब बच्चों, आपका जो फिजिकल साइंस है और ये जीव विज्ञान, देखिए इसको तो आप छोड़ दो, इसको देखने के लिए आप विज्ञान की परिभाषा, एक मैंने वीडियो बनाई हुई है बहुत पहले, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक
ठीक है। अब बात आती है जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान कौन सी शाखा है विज्ञान की, तो हम लिख सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं तथा पादपों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा विज्ञान। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे विज्ञान के प्रकार की। अब विज्ञान के दो प्रकार होते हैं, एक होता है वनस्पति विज्ञान और एक होता है जंतु विज्ञान। ठीक है बच्चों, अभी एक होता है वनस्पति विज्ञान और एक होता है जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान वो होता है जिसमें हम पादपों का अध्ययन करते हैं। अभी जीव विज्ञान में हमने पढ़ा कि जिसमें हम पादपों और जंतु दोनों का अध्ययन करते हैं, यानी जीवों का अध्ययन करते हैं, वो हमारा जीव विज्ञान है। लेकिन जब जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया तो जीव विज्ञान आपका दो प्रकार का है, एक वनस्पति विज्ञान और एक आपका जंतु विज्ञान। ठीक है, अब जंतु विज्ञान क्या है और वनस्पति विज्ञान क्या है, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। मैं इसको रफ कर देता हूं, अगर आपका क्लियर हो गया हो तो। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब आपका जो बायोलॉजी है यानी जीव विज्ञान है उसका बता देता हूँ। पहले तो हम इसकी यही बता देते हैं कि किस तरीके से डिवाइड हुआ है, है ना। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, वैसे इसकी वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई थी, लेकिन जब स्टार्टिंग करते हैं किसी चीज़ की तो ये ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि आपका सजीव जगत का एक हिस्सा है। ठीक है, सजीव जगत में आपको ये सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा जब भी आप 11th क्लास में एंटर करते हैं। जंतु विज्ञान हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया। अब देखो, जंतु विज्ञान में किसकी स्टडी करेंगे, जंतुओं का अध्ययन करना। आप नोट्स बना सकते हैं, जंतुओं का अध्ययन करना। ठीक है बच्चों, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं जंतु विज्ञान कहलाती है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, पादपों का अध्ययन करना। ठीक है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पादपों का अध्ययन करते हैं वो हमारी क्या होती है, वनस्पति विज्ञान होती है। ठीक है, अब इन तीनों से एक ब्रांच और भी विकसित हुई है जिसका नाम माइक्रोबायोलॉजी है, जिसे हम सूक्ष्म जैविकी कहते हैं। क्या कहते हैं, सूक्ष्म, आई होप ये विजिबल है। ठीक है, सूक्ष्म जैविकी कहते हैं इसको हम। ठीक है बच्चों, अभी बात करते हैं कि बायोलॉजी का नाम किसने दिया, बायोलॉजी का प्रतिपादन किसने किया था। तो बच्चा मैं आपको बताऊं कि बायोलॉजी के जो पिता हैं वो एरिस्टोटल रहे हैं। ठीक है, और बायोलॉजी का जो नाम था वो लेमार्क और ट्रेविनस ने दिया था, लेमार्क और ट्रेविनस ने 1802 में दिया था, इसका प्रतिपादन किया था लेमार्क और आपके ट्रेविनस ने। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। बायोलॉजी के जो फादर हैं वो हमारे एरिस्टोटल रहे हैं, ये आप लोगों को पता है। ठीक है बच्चों, अभी हमने ये पढ़ लिया तो उसके बारे में हम आगे भी जानते हैं कि किस तरीके से आगे इसको हमें पढ़ना है। लेमार्क और ट्रेविनस ने 1802 में इसका प्रतिपादन किया था, एरिस्टोटल ने, एरिस्टोटल के पिता कहे जाते हैं बायोलॉजी के। जूलॉजी के पिता भी अरस्तु ही कहे जाते हैं। ठीक है, अरस्तु यानी एरिस्टोटल। ठीक है, अरस्तु ही कहे जाते हैं, ये हमारा हो गया अरस्तु। बॉटनी के फादर जो हैं वो थोड़े से अलग हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। बॉटनी के जो फादर कहे जाते हैं आपके, वो कहे जाते हैं थियोफ्रेस्टस। क्लियर है बच्चों, कौन कहे जाते हैं, थियोफ्रेस्टस। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों का, पादपों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाती है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट
प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद में जूलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी, एंड नेक्स्ट टर्न बॉटनी, यानी द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स ओनली, ठीक है बच्चों। तो यहाँ ये तीनों डेफिनेशंस आप लोग नोट कर सकते हैं अपने पास। उधर माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे तो ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है बच्चों। यानी विज्ञान की वह ब्रांच जिसमें हम सूक्ष्म जीवों का, ठीक है, किसका अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु, ठीक है, आपका फंजाई यानी आपका कवक, ठीक है जी। बताते रहना जहां आपको दिक्कत हो, लेकिन मेरे बच्चों मैं आपसे यही कहूंगा कि आप क्लासेस पूरी लें, है ना, क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं लगेगा कि मेरी क्लासेस देखी जा रही हैं, क्योंकि आप लोग न्यूज़ को तो भाग के देखते हो जब मैं ऐसा कुछ चीज़ें बनाता हूँ कि रिजल्ट हो जाएगा, ये पास हो जाएंगे बच्चे, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें उसको आप भाग के देखते हो, लेकिन पढ़ाई के नाम की चीज़ आप नहीं देखते हो। ये स्पेशल आप ही के लिए स्टार्ट किया गया है उत्तराखंड वालों, ध्यान से सुन लो, हर एक वीडियो को आपने सभी तक पहुँचाना है, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको चैनल सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है, क्योंकि इतना बुरा तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मुझे पता है अपना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ क्लियर हो गई बातें, इन सब बातों को आप नोट कर लें, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है, आगे चलते हैं। अभी देखते हैं सजीव क्या है, है ना, अभी देखते हैं सजीव क्या है। सजीव लिविंग बींग्स को कहते हैं, आपको पता है, ठीक है, किसको कहते हैं, लिविंग बींग्स को कहते हैं, आपको सब पता है, बस आप मेरे से पूछते रहते हो, पता आपको सारी बातें हैं, इतने भोले नहीं हो तुम। चलिए, क्वेश्चन बनता है सजीव क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग क्या है ये आपसे बेटर कोई नहीं जानता। क्वेश्चन बन रहा है बहुत अच्छा, सजीव क्या है। देखो बच्चों, आप लोग अपने बारे में कितनी चीज़ें बता सकते हो, आप मुझे बताओ। सजीव आप हैं, लिविंग्स आप हैं, तो आपको अपने बारे में बहुत ज़्यादा बातें बताऊंगी, मुझे तो पता है भाई, आपका पता नहीं, ठीक है। तो बच्चों सजीव क्या है, ज़रा उसको जानने के लिए हम थोड़ा सा अपने अंदर जाएंगे। सबसे पहली बात, सजीव क्या करते हैं, सजीव मूवमेंट करते हैं, यानी गति और गमन करते हैं, ठीक है जी। क्या करते हैं, गति व गमन करते हैं, यानी मूवमेंट करते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। उसके बाद सजीव श्वसन भी करते हैं, उसके बाद सजीव के अंदर पाचन की प्रक्रिया भी होती है, पाचन की प्रक्रिया भी होती है, ठीक है, और आपका इसमें उपापचय क्रिया भी होती है, ठीक है, उपापचय क्रियाएं भी होती हैं सभी सजीवों के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद इसमें आपका जनन भी होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है, यानी नई संतान भी तैयार की जाती है, नई जनरेशन भी तैयार की जाती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें होती हैं, बाकी और भी चीज़ें, संवेदनशीलता का गुण इनमें पाया जाता है, ठीक है, आपका रिस्पॉन्स भी ये देते हैं, यानी आपका जो रिस्पॉन्स है वो भी ये दिया जाता है। उसके बाद आपकी जो आपके अनुवांशिक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, जो आपके अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं उनको आपकी नई जनरेशन में भी ये भेजता है, ठीक है बच्चों। तो ये सब बातें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सजीव की गुण क्या हैं, गति गमन करते हैं, श्वसन करते हैं, पाचन की क्रिया होती है, उपापचय क्रियाएँ होती हैं, जनन होता है ना, अनुक्रियाएँ यानी रिस्पॉन्स देते हैं, है ना, जैसे फाइलोटैक्सिस हो गया आपका, ठीक है, जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है वो आपका फाइलोटैक्सिस होता है, ठीक है, और जो नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है वो आपका फोबोटैक्सिस होता है, ठीक है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। वहीं हम बात करेंगे उपापचय क्रियाएं की, आज की वीडियो बस इतनी ही चलेगी, हम उपापचय क्रियाएं करा करके आपको आपके रिस्पॉन्स की हम इच्छा करेंगे कि आपके रिस्पॉन्स कैसे आते हैं। उपापचय क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं मेरे बच्चों, उपापचय क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, नंबर एक आपकी उपचय क्रिया जिसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है जी,
और नंबर दो हमारी अपचय क्रिया जिसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी सबसे पहली हमारी हो गई उपचय क्रिया और नंबर दूसरी हो गई हमारी अपचय क्रिया। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अपचय क्रिया कौन सी होती हैं और उपचय क्रिया कौन सी होती हैं। देखो बच्चों, जो हमारी एनाबॉलिज्म है, जो हमारी कैटाबॉलिज्म है, ठीक है, इन सब बातों को ध्यान रखना है। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि एनाबॉलिज्म की डेफिनेशन और कैटाबॉलिज्म डेफिनेशन सेम है, बस थोड़ा डिफरेंस है। देखो, इसमें क्या होगा कि 1+1+1+1=4। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा आपको 1+1 का फॉर्मूला क्या है और आपका ये क्या है 4=1+1+1+1+1। उल्टा कर दो। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें मिलकर के एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाती हैं, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाती हैं। जैसे आपका, मैं प्रकाश संश्लेषण का एग्जांपल ले लेता हूँ। प्रकाश संश्लेषण में आपका क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में आपका वाटर यानी पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस आपकी सनलाइट, ठीक है, मिल करके क्या बनाती है, ग्लूकोज बनाती है। यानी 1+1+1=ग्लूकोज, ठीक है, = 4। उसके बाद कैटाबॉलिक में क्या होता है कि जो आपने चीज़ खाई हुई है उसको तोड़ने का काम कैटाबॉलिक प्रोसेस का होता है। यानी जब कोई चीज़ें जुड़ करके एक बड़ी चीज़ बनाती हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाती हैं, तो उसको हम कहते हैं एनाबॉलिक, ठीक है, यानी एनाबॉलिज्म। और जब कोई चीज़ बड़ी चीज़ यानी कॉम्प्लेक्स चीज़ होकर के वो टूट जाती है छोटे छोटे सब्सटेंसेस में, उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिक। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो इतनी ही थी, आगे की पार्ट नंबर 2 आपको जल्दी ही मिलेगा। आप जल्दी से इस पर रिस्पॉन्स दें, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जितनी भी दूर तक आप फैला सको आप वीडियो को फैलाइए और सभी को बोलिए कि यहाँ पर आपकी पढ़ाई चल गई है। ठीक है, क्योंकि 10th के बाद आप लोगों की पढ़ाई, वैसे तो देखो कोर्स कम हो ही रहा अभी आपका, जैसे जैसे नोटिफिकेशन आती चली जाएगी हम आगे आगे आपको इन्फॉर्म करते चले जाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और वीडियो को शेयर करें, वीडियो पर लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप कपिल सर से प्यार करते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।